हम स्पीड रिस्ट्रिक्शन साइन बोर्ड कहते हैं, तो इसके पीछे एक चैनल लगा रखा है। इस चैनल को क्या है कि नीचे एक पेडिस्टल है, उसमें एम्बेड करके लगा रखा है। ये टोल प्लाजा बनाया हुआ है यहाँ पे, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप की जो आपको ये पूरी लाइन दिख रही है, ये जो पूरा बोर्ड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेलिनेटर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सिविल प्रोडिजी और जहां हम करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए यहां एक्सप्रेसवे पर आपको जो है रोड फर्नीचर्स के बारे में बताना चाहती हूं। मैं जिस एक्सप्रेसवे पर खड़ी हूं वो हमारा कुंडली गाजियाबाद और पलवल को जोड़ता है और यहां पे आज मैं आपको रोड फर्नीचर्स की टर्म्स बताऊंगी जो हाईवे में आपने पढ़ी होंगी और उनके जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि वो एक्चुअल में हाईवे पर कैसे यूज़ होती है और उनको हम कहाँ कहाँ पे किस किस मतलब जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उनकी मतलब टर्म्स क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है ये एक्सप्रेसवे है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली टर्म जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू बीम प्रोटेक्टिव क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर आपने देखा होगा जनरली कंक्रीट के, लेकिन यहाँ पे जो हमने यूज करा है, ये देखिए इसकी शेप क्या है, ये डब्ल्यू शेप का है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यू शेप क्रैश बैरियर कहते हैं। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे एक चैनल लगा रखा है। इस चैनल को क्या है कि नीचे एक पेडिस्टल है, उसमें एम्बेड करके लगा रखा है, एम्बेडेड है ये चैनल जो है, नीचे जमीन से नीचे एम्बेडेड है एक कंक्रीट के पेडिस्टल में, जिसके थ्रू क्या है यहाँ पे एक और चैनल के थ्रू यहाँ पे ऊपर एक मेटल प्लेट लगा रखी है, ये आपको जो है डिस्टेंस बताती है। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो रोड एक्सप्रेसवे में क्या होता है, हाईवेज में ये स्टोन की लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टोन की अगर हम लगाएंगे तो वो क्या है कि इस डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर की वजह से नहीं दिख पाएगा। अगर वो नहीं दिख पाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कितने किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया और कितना करना है। तो इसके लिए उसी मतलब सेफ्टी के लिए ये इन्होंने जो है मेटल की एक प्लेट लगा रखी है एंड उसके ऊपर ये नंबर मेंशन कर रखा है, आप ये देख सकते हैं, ये डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर होता है। अगर इस डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर में एक और मतलब हम ऐड कर देते हैं सेम यही चैनल, अगर एक और ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्राई बीम क्रैश बैरियर। क्या बोलते हैं? थ्राई बीम क्रैश बैरियर। और ये इस डब्ल्यू बीम के नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये कम से कम आपका 225 से लेकर 300 mm तक का होता है, इसकी हाइट होती है, दिस इज कॉल्ड द कर्ब। अभी कर्ब हम क्यों लगाते हैं, कर्ब का रोल ये होता है कि ये जो आपको ये पेवमेंट दिख रही है, दिस वन, इस पेवमेंट को जो है बचाने के लिए, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर आप ये कर्ब नहीं लगाओगे तो जितना भी आपका व्हीकल है, जितना भी आपका ट्रैफिक है, वो क्या कर जाएगा, उसको जो उसकी एज है पेवमेंट की एज को बचाने के लिए हम कर्ब प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ये कर्ब नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी आपकी पेवमेंट है वो आपकी एज से क्या हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी तो आपका एक्सप्रेसवे क्या है, बेकार है फिर तो वो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ मीडियन में खड़ी हुई हूँ, बीच में यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मीडियन है कम से कम आपका 4.5 से 5 मीटर का मीडियन है और यहाँ पे जो मैंने आपको अभी दिखाया था डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर, यहाँ पे दोनों एंड पे मीडियन पे ये डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर लगाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, एंड दोनों साइड चैनलाइज करके दिखा रखा है। एंड नाउ आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये जो आपको मिड में स्ट्रीट लाइटनिंग दिख रही है, ये आपकी सिंगल पोल और डबल आर्म स्ट्रीट लाइटनिंग है और ये सिंगल पोल सिंगल आर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसवे है तो यहाँ पे हमने सिंगल पोल डबल आर्म यूज़ करी हुई है। और यहाँ पे जो डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर है, ये दोनों कैरिज वे के रनिंग में जा रहा है और मीडियम के दोनों एंड्स के रनिंग में पूरे एक्सप्रेसवे में जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले हैं, ये टोल प्लाजा बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए एक बहुत ही अमेजिंग इंजीनियरिंग यूज करके ये टोल प्लाजा बनाया हुआ है। टोल लिया जाता है सारे व्हीकल्स से, जो भी उनकी लेन है उसमें उन्हें जाना होता है एंड देन उसके बाद वो टोल पे करते हैं और इसे क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टोल प्लाजा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अब मैं आपको एक साइन दिखाने वाली हूँ, दिस
ओपन. दिस इज कॉल्ड द रेट्रो रिफ्लेक्टिव शेवरॉन मार्क, शेवरॉन साइन. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब हाईवे में एक कर्व आने वाला है. ये जो शेवरॉन साइन होते हैं ये हमेशा कर्व पे लगाए जाते हैं. कर्व लगाने का पर्पज क्या होता है कि जब रात को ड्राइवर ड्राइव करेगा कोई भी व्हीकल जो है जब यहाँ से जाएगा तो उसको ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है. जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड की तरफ डायरेक्शन कर रहा है आपकी, कि अब जो कर्व आएगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल राइट कर्व है. इन शेवरॉन साइंस की जो स्पेसिंग होती है वो हमारी IRC 67/2012 साइनेजेस के हिसाब से होती है. उन अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल रेडियस, कि हमारा हॉरिजॉन्टल रेडियस कितना है उसके हिसाब से हम शेवरॉन की स्पेसिंग देते हैं. मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोड का लिंक डाल दूंगी, आप उस कोड को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि इन शेवरॉन साइन की स्पेसिंग किस अकॉर्डिंग. तो अब मैं आपको एक और साइन दिखाने जा रही हूँ, दैट इज़ द मर्जिंग लेन साइन. तो यहाँ पे जो आपको साइन दिख रहा है, आप ये साइन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेन कैरिज वे है, मेन कैरिज वे हमारा सीधा चल रहा है एंड कोई सेकेंडरी कैरिज वे आके हमारे मेन कैरिज वे में मिल रहा है. उस साइन को मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाना चाहती हूँ. आप उस साइन को देखिए, आपको हर जगह एक्सप्रेस वे पे साइन देखने को मिल जाएगा. तो अब मैं आपको एक और साइन बोर्ड दिखाने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखिए. और ये आपने देखा भी होगा, दिस इज कॉल्ड द ओवरहेड गैंट्री, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख सकता है कि वेलकम टू ईस्टर्न पैसेंजर एक्सप्रेस. यहाँ पे ओवरहेड गैंट्री में क्या है कि जहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और एंड होता है वहाँ पे आप ये साइन देख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द ओवरहेड गैंट्री. तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लान दिखाने वाली हूँ. यहाँ देखिए, यहाँ पे WMM का प्लांट है, वहाँ पे WMM बनाया जा रहा है. और यहाँ पे जो है बहुत सारे टाइप्स की सैंड पड़ी है, वहाँ पे साइड में स्टोन भी पड़ा है, आप देख सकते हैं. एंड आप ये पूरा व्यू जो मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ द WMM प्लांट व्यू एंड दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. आप इसे अच्छे से देखिए, वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर भी पड़ा है, मशीन पूरी प्लांट लगा रखा है. अब मैं आपको एक और साइन बोर्ड दिखाने जा रही हूँ जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है. इसको हम स्पीड रिस्ट्रिक्शन साइन बोर्ड कहते हैं. इसमें जो सबसे ऊपर साइन दिख रहा है वो हमारा कार का साइन है, कि कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. उसके नीचे आपका बस का साइन दिख रहा है जिसमें आपका 100 किलोमीटर पर आवर लिखा है, यानी कि जो बस की स्पीड है वो आपकी 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और जो सबसे नीचे है वो आपका ट्रक का साइन है जो कि 80 किलोमीटर है. वैसे जो हमारी डिज़ाइन स्पीड होती है एक्सप्रेस वे की 120 किलोमीटर पर आवर होती है, हम साइन देते हैं ताकि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं और जो सेफ्टी रूल्स हैं वो अच्छे से हम नॉर्म्स को फॉलो करें. आप जरूर खुश होंगे, वो है आपका फील प्राउड टू बी इंडियन. मैं अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए एंड एज एन इंडियन मेरे को गर्व है कि मैं इंडिया की कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ. और मैं जो भी करूँगी अपनी लाइफ में वो हमेशा जो है अपनी इंडिया के लिए करूँगी और अपनी इंडिया के जो मेम्बर्स हैं उनके लिए. अब मैं आपको क्रैश बैरियर दिखाने वाली हूँ. अभी जो हमने देखा था वो हमने यहाँ पे WBM क्रैश बैरियर देखा था. इसके बाद हमारे एक्सप्रेसवे में कोई भी अगर स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि हमारा VUP हो गया यानी कि वेहिकुलर अंडरपास, PUP हो गया पेडिस्ट्रियन अंडरपास, CUP हो गया कैटल अंडरपास, तो उस केस में हमें जो है ये कंक्रीट का क्रैश बैरियर देना पड़ता है. एंड इसके ऊपर ये एक पाइप से रेलिंग करके थ्रू आउट रनिंग मीटर में ये जो क्रैश बैरियर है इसकी जो हाइट थी पहले कोड में वो आपकी जो है 900 mm थी, लेकिन अब IRC 5 के अकॉर्डिंग हाइट बट हाइट है 1.1 meter कर दी गई है. आप इस पर देख सकते हैं क्रैश बैरियर को, जितना ना आपका स्ट्रक्चर होगा, जितनी आपकी स्ट्रक्चर की लेंथ होगी उतना ही रनिंग मीटर में ये लगा हुआ होगा. अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे पीछे जो यार आपको लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स जाती हुई दिख रही है, जो आपको पूरा हाई टेंशन लाइन पोल आप देख सकते हैं. और इसी के साइड में जो छोटे छोटे खंभे लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं लो टेंशन लाइन. दीज आर द लो टेंशन लाइन पोल्स, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी. यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं कि सारी जगह आपके हाई टेंशन लाइन्स लगी हुई हैं और इसी के नीचे आपकी लो टेंशन लाइन्स की पूरी तरीके से लगी हुई है. की जो आपको ये पूरी लाइन दिख रही है, ये जो पूरा बोर्ड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेलिनिएटर. डेलिनिएटर का रोल क्या होता है, डेलिनिएटर हमारा हमेशा क्रैश बैरियर बैक साइड में लगाया जाता है ताकि जो हमारा व्हीकल है उसको डिवाइड करने के लिए उसको क्रैश बैरियर पे कोलैप्स नहीं करना है, यानी कि क्रैश बैरियर से थोड़ा डिस्टेंस पे अपने व्हीकल को राइड करना है.
इसीलिए डेलीमीटर का हर एक इंटरवल पे यूज़ करा जाता है। डेलीमीटर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से जो है इसको बोल्ड करा गया, वेल्ड करके इसको चैनल के साथ दिखाया गया है एक पर्टिकुलर हाइट। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहती हूँ और आपसे बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए, और जो मैंने इतनी मेहनत करी आपके लिए इतनी धूप में, तो इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन तो मैं आपसे मांग सकती हूँ, और एक सब्सक्रिप्शन तो मेरा बनता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको साइट के सिविल के वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है, या फिर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। इन फ्यूचर अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करने चाहती हूँ या फिर ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी, तो उसमें मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हूँ, और मैं अपनी इंडिया एज एन इंडियन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जितना हो सकेगा उतना करूँगी।